को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सक्रिय है। दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और इसी बीच ग्वालियर चंबल पर बीजेपी और कांग्रेस की पहली नजर बनी हुई है। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे के बाद अब बीजेपी भी ग्वालियर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और सूत्रों के हवाले से जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में सभा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र में विधानसभा की 34 सीटें हैं। प्रदेश में सत्ता समीकरण के लिहाज से ये सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। तभी तो कांग्रेस बीजेपी की खास नजर इस अंचल पर है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को जनाक्रोश रैली के जरिए चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अब बीजेपी प्रियंका गांधी की सभा का जवाब देने के लिए ग्वालियर में बड़ा राजनीतिक आयोजन करने की तैयारी कर रही है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के लिए हुंकार भरने अमित शाह आ सकते हैं। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से अब चाहे मोदी आ जाएं या फिर अमित शाह, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमित शाह जी का तो सतत प्रवास चलता है, मध्य प्रदेश भी कितनी बार आ चुके हैं, भाजपा कार्यालय आ चुके हैं, घंटों बैठक ले चुके हैं। अमित शाह जी प्रियंका गांधी में बड़ा फर्क है। अमित शाह जी पार्टी के लिए समय देते हैं, उनका अनुभव हमें लाभ मिलता है, संगठन को समय देते हैं, जनता के बीच में पसंद करे जाने जाने वाले नेता हैं, एक कुशल रणनीतिकार है, तो उनके आने से तो फायदा होता है। अमित शाह जी पिछली 2018 के चुनाव में भी खूब हुंकार भर चुके हैं और चुनाव के अंदर बीजेपी को नुकसान हुआ था। जनता का गुस्सा जो है वो सर्वाधिक हो चुका है और आज जनता का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच कर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुका है जनता। तो आज की तारीख में कितना ही बीजेपी के नेता घूम लें, जनता को वो संतुष्ट पिछले दो दशक में नहीं कर पाए। जनता के मूल सवालों का जवाब दीजिए। बीजेपी ग्वालियर में केवल अमित शाह की सभा की तैयारी नहीं कर रही, ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक भी होने वाली है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटें प्रदेश में सत्ता की चाबी मानी जाती हैं, इसलिए भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों का यहां पर फोकस देखने को मिल रहा है। 2018 के चुनाव में मिले समर्थन को फिर हासिल करने की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। वहीं भोपाल इंदौर के बाद अमित शाह के सहारे बीजेपी ग्वालियर में भी चुनाव बिगुल फूंकने की तैयारी कर रही है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।